नमस्कार दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर जो है फाइनल की आज न्यूज़ है। मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर 21 रन के लिए 7 विकेट गंवा बैठा भारत 180 का स्कोर भी नहीं बना सका। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम आज ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर जो बांग्लादेश से खेल रही है। ICC अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत की बैटिंग फेल हो गई है और अब खिताबी उम्मीदें गेंदबाजी पर टिकी हैं। भारतीय टीम रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में महज 177 रन बनाकर सिमट गई। भारतीय टीम की स्थिति और ख़राब हो सकती थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उसे काफ़ी हद तक संभाल लिया। यशस्वी ने 88 रन की शानदार पारी खेली। बांग्लादेश ने अंडर 19 विश्व कप ICC अंडर 19 क्रिकेट मैच के फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। कप्तान अकबर अली का यह फैसला काफ़ी हद तक सही साबित हुआ। बांग्लादेश की शुरुआत ओवरों में ज़्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उसने भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखा। एक तरफ से यह मुकाबला बांग्लादेश की गेंदबाजी और यशस्वी जायसवाल के बीच रहा। यशस्वी जायसवाल ने जब तक क्रीज पर थे तब तक लग रहा था कि भारतीय टीम 250 रन बना सकती है। वे 156 के स्कोर पर चौथे बल्लेबाजी के तौर पर आउट हुए। उन्होंने जाने माने जो उनके जाने के बाद आया राम गया राम की स्थिति बनती, देखते ही देखते पूरी टीम 170 रन पर बनाकर आउट हो गई। इस तरह भारत ने आखिरी 21 रन बनाने के लिए अपने 7 विकेट गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल ने तिलक वर्मा 38 ने दूसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी की। यह भारतीय टीम की सबसे बड़ी साझेदारी साबित हुई। यशस्वी और तिलक के अलावा सिर्फ ध्रुव जुरेल 22 की दोहरी रन संख्या को छू सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। अब देखना है कि भारत के जो गेंदबाज हैं वो जो है अच्छी बॉलिंग करेंगे और टीम को जीत दिला पाते हैं नहीं। खबरें यूं ही आपके पास में आती रहेंगी। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। धन्यवाद।